हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर के अभी 3 बजे। अभी मुझे जस्ट टाइम मिला है, अभी खाना वगैरह फिनिश हुआ है, तो आज मैं करने जा रही हूँ ब्लीच। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा वाला ब्लीच करना जा रही हूँ। अगर आप ठीक है, अगर आपको उस ब्लीच के बारे में डिटेल रिव्यू जानना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अभी मेरा फेस अभी मैंने क्लीन करके आई हूँ, उसके बाद में आपको फेस का ब्लीच करने के बाद भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे मैं बहुत काफ़ी टाइम से ये ब्लीच को यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो उनके लिए ये बेस्ट है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि आज कुछ पार्सल्स, अभी बहुत सारे मैंने कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग टाइप की घर के लिए खाने के लिए और मंगाई, तो वो भी आपको उसका भी अनबॉक्सिंग और आपको पता चलते जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऑफ़र में से लिए। तो सबसे पहले जो आज मुझे रिसीव हुआ है पार्सल, वो मैंने अमेज़न फ्रेश से मंगाया था, जो कि आपको ही पता है कि बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो मैंने मंगाया ये मखाना, ठीक है, ये वेदा का, आई थिंक ये अमेज़न ब्रांड ही है, तो मैंने अमेज़न ब्रांड से ही ब्रांड का ही मैंने मंगाया है। तो इससे पहले मैंने दूसरा कंपनी का मंगाया था, तो वो काफ़ी अच्छा था, वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, इससे फिर मुझे ये लेना पड़ा। तो अभी देखते हैं कि ये यूज़ करने के बाद कैसा रहेगा। काफ़ी अच्छा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप मखाना यूज़ करते हो नहीं करते हो, और अगर करते हो तो किस तरीके से यूज़ करते हो, आप कैसे इसकी खीर वगैरह बनाते हो, तो प्लीज़ वो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए कि आप कैसा बनाते हो और मैं कैसा बनाती हूँ, कैसा मैं यूज़ करती हूँ, अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस मखाने का किस तरीके से यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो आपको वो भी डिटेल पता चल जाएगी। तो मैंने ये 2 पैकेट मंगाया था, एक ये दोनों सेम यहाँ पे 2 पैकेट मंगाए, ठीक है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ना मिक्स, और इसी के साथ मैं जो मिक्स सीड है ये मैंने मंगाया। लास्ट टाइम मैंने कुछ अलग ब्रांड का मंगाया था, मैं आपको बता दूंगी कौन सा ब्रांड था, तो वो काफ़ी अच्छा था। अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, क्योंकि वो भी आउट ऑफ स्टॉक था, वो था ही नहीं उतना ऑफर में, आई थिंक ज़्यादा अभी ऑफर चालू है तो वो फिनिश हो गया था, तो ये वाला मैंने मंगाया। तो अब देखते हैं कि ये कैसा रहेगा खाने के लिए, वैसे देख के तो लग ही रहा है कि अच्छा रहेगा करके, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स सीड्स और मखाना मंगाया अमेज़न फ्रेश से, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, मैं अभी ब्लीच करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, आज जो पहले ब्लीच से पहले मैं आपको ओली की जो बच्चे वो दिखा देती हूँ, आज जो 3रा दिन है वो बच्चे किस तरह से सो रहे हैं और ओली बाहर है, मैं आपको बैक कैमरे से बता देती हूँ। ये इस तरह से मेरे पैर के पास आ रही, इसको भूख लगी बहुत देर से ना, ये अंदर थी बास्केट में, और ये दो एल्सा भी मुझे देख रही है। क्या हुआ एल्चू रानी, एल्चू माँ हो, चीज चाहिए एल्सा को, और इसको चाहिए खाना। इसके जो बच्चे वो दिखा देती हूँ, ये है इसके बच्चे, सब सो रहे हैं अभी, सबके सोने के बाद ही वो आती है बाहर खाना खाने, है ना मेरी ओली, ओली ओली माँ हो, आज जाना है ओली के लिए, चिकन लाई नहीं है आज, उसके लिए चिकन ला के उसको बॉईल करके देना है। चलिए अंदर, कितना आराम से कितना धीरे से जगह बनाकर बैठती हूँ, मतलब बच्चों को ज़रा भी लगे ना तकलीफ है, 3 बच्चे वहाँ, यहाँ पे 1-2 बच्चे हो, किस तरीके से बैठी आपने देखा होगा। ओली ओली, ओली ओली माँ हो, आ जाओ ओली, आओ आ जाओ, देखो जैसे मैंने आ जाओ ओली तो एल्सा आ जाती है, उसको लगता है कुछ दे रही हूँ, ओली को क्या मिल रहा है वो चेक कर रहे आ जाती है ना ओली, है ना अल्चू रानी, एल्सा गाइस, जो ब्लीच है वो ये है ऑक्सीलाइफ, जो मैं बहुत काफ़ी टाइम से बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जिसकी भी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनकी उसके लिए ये बेस्ट है। तो अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हो कि किस कौन सी स्किन टोन पे कितना टाइम तक रखना है, किस तरह से रहेगा, तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए, तो डिटेल में एक वीडियो में आपको इस ब्लीच के ऊपर बताऊँगी कि आपको कितना मिक्स करना है, किस तरह से रहना है। वैसे तो इसमें क्वान्टिटी 7:1 का इसमें क्वांटिटी रहता है, तो डायरेक्टली आपको जो एक्टिवेटर है और जो क्रीम है दोनों को
पूरा का पूरा मिक्स करना होता है। उसके बाद में आपकी स्किन टोन के हिसाब से ना आपको टाइमिंग रखना होता है। ज़्यादा जो फैन होगा उसको सिर्फ 10 से 15 मिनट रखना है, जो मीडियम है वो 15 मिनट, और जिसका थोड़ा सा डार्क स्किन है वो 15 से 20 मिनट तक इसको रखना है। उसके बाद आपको वॉश कर लेना है, ठीक है। तो मैं भी बेसिकली यहाँ पे 15 मिनट तक ही रखती हूँ। तो चलिए अभी मैं ब्लीच करना स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है और किस तरह से मिक्स करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतने छोटे टब्बी में आपको ये क्रीम मिलता है, एक स्पून मिलेगा मिक्स करने के लिए। ये एक्टिवेटर है, यहाँ पे एक्टिवेटर पाउडर मिलेगा आपको। और ये पोस्ट ब्लीचिंग, ब्लीच करने के बाद में जब आप फेस क्लीन करके आ जाते हैं तो उसके बाद में आपको ये फेस पे लगाना होता है, ठीक है। और आपको मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि जब भी आप ब्लीच यूज़ करते हो तो आफ्टरनून में यूज़ मत कीजिए, अगर कर रहे तो फिर धूप में मत निकलिए, धूप में मत जाइए, ठीक है। तो ये वाला पाउडर इस तरह से पूरा डाल देना है। अभी क्या मुझे टाइम मिला था, बच्चे वगैरह नहीं है, तो इससे मैं अभी आफ्टरनून में कर रही हूँ और धूप में ट्राई करूँगी कि नहीं निकलूँ। तो इसको इससे आपको पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही फिर अप्लाई करेंगे। तो गाइस अभी ना ब्लीच करके कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो आफ्टर ब्लीच वाला जो क्रीम था ना, जो जेल था, वो अभी जेल लगा है इसलिए स्किन इतना ऑयली ऑयली नज़र आ रहा है। तो अभी आप चाहे तो उसको 1-2 घंटे रख के वॉश भी कर सकते हो, या अगर आपको वॉश नहीं करना, जैसे अगर आप रात को कर रहे हो और रात को करके अगर सो जाते हो, उसको लगा के सो जाते हो जेल को, तो भी कोई इशू नहीं है। तो वैसे तो अगर आप 1-2 घंटे बाद अगर वॉश कर लोगे तो भी फेस आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऑयली नज़र आ रहा है। तो आज मैंने ब्लीच इसलिए किया ना क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ शायद से कल या परसों 1-2 दिन में फेशियल करवाने के लिए। तो मैं ब्लीच घर पे ही करती हूँ, फेशियल के लिए जाऊँगी पार्लर, तो इसलिए मैंने ब्लीच कर लिया आज टाइम था, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ, अभी मैं ज्वेलरी थोड़ा सा मेरा इनकम्प्लीट था, मैंने बनाया था वो परसों, आधा रह गया था नाइट में, तो अभी वो ज्वेलरी मैं रेडी कर रही हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, कौन सा वाला नेकलेस मैंने कौन सा पैटर्न बनाया है इस बार, तो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये फिलहाल यहाँ पे 3 लेयर का मैंने यहाँ पे बीट्स का नेकलेस बना चुकी हूँ, ये रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको ना वियर करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें ना जो बारीक वाले जो बीट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब ना ग्लास बीट्स है, ये वाले जो प्लास्टिक के बीट्स है, और ये जो नीचे आपको बड़े वाले नज़र आ रहे हैं ये 10 mm के, ये भी सब ग्लास बीट्स है। और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये स्मॉल वाले गंडन बीट्स है। तो ये रहेगा इस तरीके से 3 लेयर में, ठीक है। तो चलिए वेयर करके देखते हैं कि कैसा लगता है। आज हमने बनाया है रोटी जिसपे हमने आलू की सब्जी और यहाँ पे कैप्सिकम, ये कैप्सिकम। आप किस तरीके से कैप्सिकम बनाते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये मैंने सूखा वाला ड्राई बनाया है रोटी के साथ खाने के लिए, है ना। इस तरह से हम 10 दुकान पे बैठ चुके हैं तो अभी खा रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहे, आज बहुत थक गई हूँ। चलो खाना खा के फिर व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। गए सॉफ्टवेयर से जो मैंने ब्लीच लगाया था, जो उसके बाद से पोस्ट ब्लीच जो मैंने जेल लगाया था, तो उसके बाद अब भी मैंने फेस को वॉश किया है सोप से। तो आई होप थोड़ा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे भी अभी ब्लीच करने के बाद कल या परसों 1-2 दिन में तो फेशियल करवाने वाली हूँ, तो शायद तभी और थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आए। तो अभी हो रहे हैं यहाँ पे रात के ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, तो अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है। देखते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के हमें डॉक्टर मिलता है या नहीं मिला। अगर पेशेंट कम हुए तो शायद हमें डॉक्टर से मिलने के लिए मिल जाएगा, अगर पेशेंट ज़्यादा हुए तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो और हमने लिया नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था। तो अभी जाते हैं बाहर, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बाइक से जाना पड़ेगा। Chasing stars and holding you. I can't see the end. Oh guys, bad luck. यहाँ पे डॉक्टरों का जो क्लिनिक है वो बंद था। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, है ना, क्या थोड़ा राउंड मारते हैं, बाउंड मारते हैं। राउंड तो वैसे हम लोग ने मार नहीं थे, जब भी अब आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे ना, तो अभी डॉक्टर नहीं मिला, ठीक है। तो देखते हैं अभी घर जाते हैं।
तो गाइस उस वक्त मैंने नेकलेस आपको पहन के नहीं दिखा था, ये रहेगा इस तरह से लेयर में, ये ग्लास बीड्स और ये प्लास्टिक बीड्स और ये जो स्मॉल वाले दिख रहे ना वो भी ग्लास बीड्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरह से थ्री लेयर में मिलेगा। और इसका जो ईयर रिंग है वो रहेगा इस तरीके से, ये रहेगा ईयर रिंग, ठीक है। और दिन में जो कुर्ता पहना था उसमें ये जो मैंने नेकलेस पहना, लेकिन उसमें वो नज़र ही ना रहा था, इतना सारा वर्क किया हुआ था। तो ये जो नेकलेस है इसमें को ऐसा कोई ड्रेस जो बहुत ही सिंपल हो तो उस पे वो ड्रेस को इनहांस करेगा, इस तरह के जो नेकलेस है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे रहेगा इसका इयरिंग और ये रहेगा इसका ब्रेसलेट वाइज। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ ना और एक नेकलेस है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसके साथ भी ब्लॉग आज पर जो ब्लॉग है उसको फिनिश कर देती हूँ, ठीक है। तो जो दूसरा नेकलेस बनाया वो पूरा मैंने बीड्स जो प्लास्टिक के जो बीड्स है ना उसको लेकर बनाया। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा नेकलेस। तो गाइस दूसरा जो नेकलेस है वो ये है पूरा यहाँ पे ना बीड्स इस तरह से थ्री लेयर में, यहाँ पे ना लाइट पिंक वाइट एंड ब्लू कलर का यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन में बनाया था। और ये रहेगा इसका छोटा सा इयर रिंग और इसके साथ में आपको ना इस तरह से ब्रेसलेट भी मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे ना चार्म ब्रेसलेट, तो उस तरह से ये आपको मिलने वाला। तो इस तरह से पूरा कॉम्बो कम्प्लीट रहेगा लेयर में। और ये तो बहुत ही जल्दी ये ऑनलाइन भी आ जाएगा, इसका जो लिंक है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप और भी ज्वेलरी के वीडियो देखना चाहते हो तो या फिर मेरे कलेक्शंस देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए, ज्वेलरीज के अनबॉक्सिंग देखने के लिए, या मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, या फिर कौन सी चीज़ें मैंने परचेज़ की, और बहुत सारे जो चीज़ें भी अनबॉक्सिंग आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑफ़र में मंगवाई हूँ अलग अलग साइट से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से। तो डेली क्या चीज़ अपडेट होती है, कौन से गेम्स के अलग वीडियो बना रहे थे वो भी आपको मिलते जाएगा। और गेम्स का अगर देखना है आपको तो प्लीज़ वो वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इजीली मेरे वीडियोस को देख पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।